हेलो दोस्तों, अभी आप देखने जा रहे हैं ए के एस ऑटोमेशन की ओवल मॉडल नोट काउंटिंग मशीन। इसको यूज कैसे करना है वो देखने जा रहे हैं। ठीक, तो हमने इसमें ले लिए हैं 20 की गड्डी ले ली है, जिसमें 100 नोट असली हैं और एक नोट नकली है। अब इन नोटों को इंसर्ट करने का तरीका होता है, नोट को बराबर करके आप स्लाइड खोल दीजिए। जैसे ही नकली नोट आएगा मशीन रुक जाएगी, आपका अलार्म लाइट ब्लिंक करने लगेगी। लास्ट नोट जो होगा आपका वो नकली होगा या फॉल्टी होगा, उसको निकाल लेंगे। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं अलार्म लाइट ब्लिंक कर रही है और साथ में रुक रुक के मशीन बीप का साउंड दे रही है, जिससे आपको क्लियर हो जाता है कि नकली नोट आया है। एरर कोड भी आएगा स्क्रीन पे। ठीक, और अब आगे की काउंटिंग को पूरा करने के लिए आपको स्टार्ट बटन प्रेस करना है, बाकी काउंटिंग पूरी हो जाएगी। ठीक है, ये मशीन सिर्फ रियल नोट को ही पास करेगी जब आपका फेक नोट डिटेक्शन का ऑप्शन ऑन होगा, जिसमें कि आपको यूवी और एमजी के जरिए फेक नोट डिटेक्शन होता है। ये सेंसर होते हैं आपका नकली नोट पकड़ने के लिए। ठीक, एक बार रीचेक कर लेते हैं। अभी हमने नकली वाला नोट इस साइड में कर रखा है और रियल नोट डाल रहे हैं। 100 पीसीस हैं तो 100 पीसीस आपके काउंट हो जाएंगे। ठीक, अब आ जाते हैं। अगर आपको इन सिचुएशन पुराना नोट है, गला नोट है, जैसे कि 10-10 के नोट होते हैं, ज़्यादा पुराने हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, सिक्योरिटी फीचर मिट जाता है, तो बार बार काउंटिंग करने में मशीन रुक जाती है, क्योंकि मशीन के सेंसर ऑन होते हैं तो आपको उन नकली नोट की तरह ही डिटेक्ट करेंगे, क्योंकि नोट की क्वालिटी ख़राब है या उसको जब डिटेक्शन के फ्यूचर ही ख़राब हो गए, जबकि वो नोट रियल होता है। तो उस सिचुएशन में आपको एमजी और यूवी को ऑफ कर देना है। एमजी की से आपका एमजी बंद हो जाएगा, यूवी की से यूवी। ठीक, अब मशीन आ गई सीएनटी मोड, यानी कि काउंट ओनली मोड। तो अब आपका जिस भी तरीके का नोट होगा, सारे नोट आपके पास करेगा, नकली नोट को भी गिनती में लेगा, डैमेज नोट होगा उसको भी गिनती में लेगा। ठीक, लेकिन आपको जब भी नकली नोट डिटेक्ट करना है, अभी आपने देखा 101 पीस टोटल काउंट कर दिया, मशीन कहीं रुकी नहीं क्योंकि यहाँ हमने सेंसर बंद कर रखे थे, लेकिन आपको नकली नोट डिटेक्शन करना है। ठीक है, या खासतौर पर आप बड़े नोट 500 के 200 के नोट काउंट कर रहे हैं, उस सिचुएशन में आपको हमेशा ये ऑन रखना है, जिससे कि आपका नकली नोट पकड़ा जाए। ठीक, अभी रुक जाएगा नकली नोट आते ही ये। ठीक, इसको साइड कर लेते हैं, आगे की काउंटिंग के लिए स्टार्ट करते हैं। तो ये हो गई हमारी रियल नोट की काउंटिंग। अब आ जाते हैं आगे के ऑप्शन देख लेते हैं। इसमें आपका एम जी यू वी और सी एन टी हो गया। ऐड ऐड में क्या है, आपको लगातार सम करता जाएगा। ऐड एक्टिवेट हो गया। ठीक, अब जैसे पहली बार मैं काउंटिंग करता हूँ तो 100 पीसेस काउंट करेगा, या 100 पीस काउंट करेगा। अब दोबारा से मैं इन नोटों को इंसर्ट करूँगा तो लास्ट जो काउंटिंग हुई है उसी में इसको ऐड कर देगा। ये आपका ऐड ऑप्शन होता है। ठीक, अब आगे की काउंटिंग एक बार और चेक कर लेते हैं इसमें हम। इस तरीके से आपका लगातार सम करता जाएगा, 300 हो गया। ठीक है, अब सेकंड ऑप्शन क्या होता है, बैच। तो हमें ये अभी ऐड को हम क्लोज कर देते हैं, अब बैच पे आ जाते हैं। बैच में क्या होता है, बंडल बनाने के लिए होता है। जैसे कि यहाँ पे आप जानते हैं कि 200 नोट आते हैं स्टेकर में और होपर में। ये आपका नीचे के हिस्से को स्टेकर बोला जाता है, ऊपर के हिस्से को जो पोर्शन होता है जहाँ नोट इंसर्ट करते हैं, इसको होपर बोला जाता है। तो यहाँ आपके 200 नोट आते हैं, किसी मशीन में 250 आते हैं, किसी में 300 भी आते हैं। इसकी कैपेसिटी 200 नोट है और स्पीड है आपकी 1000 नोट प्रति मिनट। तो आपको 100 का बंडल बनाना है, 200 नोट डालते हैं तो 100 नोट काउंट करने के बाद मशीन रुक जाए तो उसको बैच बोलते हैं। या 50 नोट छाँटने हैं तो भी आपको बैच बनाना है। 10 नोट छाँटने वो भी ऑप्शन होता है, 20 का भी ऑप्शन होता है। उसके अलावा जो भी आपको बनाना हो सारे ऑप्शन होते हैं। आपको बैच प्रेस करेंगे तो यहाँ 100 का ऑप्शन आ जाएगा बैच का। ठीक है, अब इसमें आपको क्या करना है, मान लीजिए मुझे 100 नोट ही हमारे पास, तो हम 25 का बैच बनाना है। तो हम बैच को दोबारा प्रेस करेंगे, 50 आ जाएगा, 20 आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो 25 का बैच बनाने के लिए हम 20 पे जाएंगे और प्लस से 25 पे आ जाएंगे। अब नोट इंसर्ट करते हैं तो 25 नोट काउंट करने के बाद मशीन रुक जाएगी, ये आपका बैच बन गया। जैसे ये नोट हटाऊंगा अगला बैच काउंट होगा। इस तरीके से आपके बैच में काउंटिंग हो जाएगी। ठीक, अब आगे चलते हैं। ऑटो मैनुअल का फीचर भी है इस मशीन में, तो हम बैच को भी क्लोज कर देते हैं।
ठीक, 0 पे आ गया तो बैच क्लोज हो गया। आई होप ये वीडियो पसंद आया हो। तो मशीन को ख़रीदने के लिए सामने दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करें, और हमारी डिटेल, बाकी डिटेल हमारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। मैं AKS ऑटोमेशन से अविनाश सिंह।